हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 मैथ्स में आपका स्वागत है। कल तक अपन पढ़ चुके थे चैप्टर टू अपन पढ़ रहे थे एक्सपोनेंट। क्या नाम था चैप्टर टू का? एक्सपोनेंट। इसके कुछ रूल मैंने आप लोगों को बताए थे एक्सपोनेंट में कि पावर अगर माइनस में होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होती है? प्लस। और जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर क्या होती है? माइनस। ऐसे रूल मैंने आप लोगों को कल बताया था। आज फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ। अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर टू पेज नंबर 36 एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 36, ठीक है। 38, ठीक है। अब क्या बोला उसने, रूल क्या क्या थे वो मैं लिखता हूँ। रूल पहला लिखा है ए की पावर माइनस ए इक्वल होता है 1/ए की पावर ए। दूसरा ए अपॉन बी की पावर अगर माइनस ए हो तो इसको लिखते हैं बी अपॉन ए की पावर एन, ठीक है। अब ए की पावर एन डिवाइड बाय ए की पावर एम हो तो इसको लिखते हैं ए की पावर एन माइनस एम, ठीक है। ये भी मैंने समझाया था कि जब बेस सेम हो बीच में डिवाइड हो तो पावर का क्या हो जाता है? माइनस। ये ध्यान रखना है। ए की पावर एन इंटू अगर ए की पावर एन हो तो क्या होता है? ए को एक बार लिखेंगे, इस बेस को वन टाइम लिखते हैं और पावर को क्या कर देते हैं? प्लस, ठीक है। इन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखें अब ना क्वेश्चन नंबर मैंने करवा दिया था एग्जांपल 1, 2, 3 और 4, ठीक है। एग्जांपल 5 इतना हो चुका था। 5 का मैं थर्ड वाला फिर से करवाता हूँ, ठीक है। 5 का थर्ड वाला, तो ये तो अपने रूल हो गए। यहाँ करते हैं एग्जाम्पल 5 का थर्ड वाला। क्या दिया उसने? देखिए 6 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 5/2 की पावर -1। अब देखें पावर सबकी माइनस में है, मतलब ये दोनों रूल यूज होंगे। 6 की पावर -1 का हो जाएगा 1/6 प्लस 3 की पावर -2 का क्या हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग 1/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/2 की पावर -1 में है, 5/2 की पावर -2 होती है तो 2/5 हो जाएगा या 2/5 की पावर 2 की जाएगी प्लस के बाद, ठीक है। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 प्लस ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2 क्या होता है? 9 मल्टीप्लाई या 2/5। अब इसको सॉल्व करने के लिए 6 और 9 का अपने को एलसीएम निकालना पड़ेगा। कितना आएगा एलसीएम बताओ? तो यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है। 6, 9 2 की टेबल से 3 टाइम लेते हैं और ये 9 × 6 3 की टेबल 1 टाइम 3 फिर 3 की टेबल 1 1 कितना आएगा? 2 × 6 6 × 18 तो एलसीएम आ जाएगा अपना 18। 6 × 18 आते हैं 3 टाइम 6 × 3 = 18 तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 यहाँ हो जाएगा 3। 9 × 18 2 × 2 = 2 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/18 मल्टीप्लाई 2/5 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। 2 की टेबल में 2 × 2 2 × 9 = 18 तो आंसर आएगा 1/9, ओके। अब एग्जाम्पल 5 के बारे में, एग्जाम्पल कौन सा आ रहा है? 6। एग्जाम्पल 6 क्या है? बाय व्हाट नंबर शुड -28 की पावर -1 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट मे बी 4 की पावर -1। मतलब 28 की पावर -1 को किससे डिवाइड करें कि अपने को 4 की पावर -1 प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया है
इसी के अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो जो नंबर अपने को फाइंड करना है उसको एक्स सेलेक्ट कर लो, एग्जांपल 6। लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको डिवाइड करना है अपने को 28 की पावर माइनस वन को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करें, एक्स से। इक्वल कितना लिखा हुआ है, 4 की पावर माइनस वन। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस माइनस वन को हटाएंगे तो 1/-20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल 1/4 हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, एक्स जो है इधर डिवाइड में है उधर चला जाएगा और 1/4 इधर आएगा, फिर डिवाइड में जाएगा, मतलब -1/20 है डिवाइडेड बाय कर देंगे 1/4 इक्वल में क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है। एक्स 1/4 के प्लेस पे गया तो 1/4 एक्स के प्लेस पे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको अगर तुम सोल्व करने कैसे करते हैं, 1/20 है मल्टीप्लाई 4/1 हो जाएगा, 4 की टेबल में 4 × 4 4 × 7 = 20 इक्वल में क्या चल रहा है, एक्स। तो आंसर कितना आया हमारे पास, 1/7 -1/7 इक्वल एक्स, ये अपना आंसर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या चीज है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कल मैंने समझाया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एक बार फिर से करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 का अपन करते हैं कौन सा, सेकंड वाला, कौन सा करें, सेकंड वाला क्या देखा है, -4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो -4 की पावर 3 तो सॉल्व करने के लिए पावर 3 का मतलब -4 को अपने को 3 टाइम मिलता है, -4 मल्टीप्लाई -4 फिर मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब साइन को देखें तो माइनस और माइनस कितना है प्लस, तो कैंसिल हो जाएगा, बचा अपने पास 1-, ठीक है। अब 2 की टेबल से अपन डिवाइड करें, 2 × 2 2 × 4 फिर इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 × 2 2 × 4 तो ऊपर कितना बचा अपने पास, 4 × 8 मतलब माइनस के 8 बचेंगे ऊपर, और अपन में कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा, 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला, इसका ये आंसर नहीं, इसका अपने को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के टी इनवर्स इनवर्स ऑफ -a इक्वल -1/a, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, शो दे क्या शो करना है, ब्रैकेट 3/5 की पावर -1 -1/3 की पावर -1 whole power -1 इक्वल -3/4, ये अपने को शो करना है, ठीक है। तो इसका सोलो में अपन एलएचएस पार्ट करेंगे, एलएचएस पार्ट क्या है, 3/5 की पावर -1 -1/3 की पावर -1 whole power -1 ऐसा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पावर माइनस वन है जो 5/3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये 3/1 हो जाएगा,
ठीक है, होल पावर माइनसन चल रही है, सही। अंदर से थ्री वन का थ्री एक्स सेम आएगा, फाइव वन का फाइव और टू जीजा माइनस के नाइन, होल पावर पे चल रही है माइनस वन, फाइव में से नाइन माइनस करो कितना बचेगा माइनस फोर बाय थ्री, होल पावर कितनी चल रही है माइनस वन। अब फिर से इस माइनस वन को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, माइनस थ्री बाय फोर, ये तो अपना आ रहा है जैसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर फोर जो है, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड टू गेट, ये एग्जांपल सिक्स जैसा है, तो क्वेश्चन नंबर फोर आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है ये आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव में लगा रहा है ठीक है, फाइव में क्या है, बाय व्हाट नंबर बी मल्टीप्लाई सो द प्रोडक्ट, यहाँ नंबर निकालना है, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करना अपने को, सिक्स की पावर सिक्स नहीं माइनस सिक्स, माइनस सिक्स की पावर माइनस वन इंटू एक्स टू गेट, क्या मिल रहा है अपने को, ट्वेंटी सेवन की पावर माइनस वन, इसको सॉल्व करें, देखें सिक्स की पावर माइनस वन क्या हो जाएगा, वन अपॉन माइनस सिक्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल वन अपॉन ट्वेंटी सेवन। अब ये वन अपॉन सिक्स इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में उधर जाएगा ऊपर, तो वन जाएगा अपॉन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, वन अपॉन ट्वेंटी सेवन है मल्टीप्लाई माइनस सिक्स अपॉन वन, ठीक है। कैसे करते हैं, जो इधर अपॉन में रहता है वो उधर जाएगा तो ऊपर से जाएगा न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर, ठीक है। थ्री की तरीके से थ्री टू का सिक्स और थ्री नाइन का ट्वेंटी सेवन, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, एक्स इक्वल माइनस टू बाय नाइन, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन दो है। सिक्स का भी एक लगाता हूँ, सेवन का भी एक लगाता हूँ, आप लोगों की आज ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो सिक्स में कौन सा लगाऊँ मैं, कौन सा सॉल्व करें अपन, फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। सिक्स का फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है, थ्री डी पावर माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री डी पावर माइनस टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय थ्री डी पावर माइनस थ्री। तो सबसे पहले माइनस पावर को सॉल्व करें, ब्रैकेट लगाया यहाँ हो जाएगा वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री की पावर टू डिवाइड बाय वन अपॉन थ्री की पावर थ्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री की पावर टू, थ्री की पावर टू को कैसे लिखेंगे, थ्री इंटू नाइन होता है, ठीक है, डिवाइड बाय वन अपॉन थ्री की पावर थ्री होता है, थ्री डिजा नाइन, नाइन डिजा ट्वेंटी सेवन, थ्री की पावर थ्री का मतलब होता है उसको थ्री टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा लिख लो उसको थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री। अगले लाइन में क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉन नाइन, ठीक है। जब ये डिवाइड क्या बनेगा मल्टीप्लाई, तो ये उल्टा हो जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री अपॉन वन। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, इसका मतलब ये पूरा एक ही पार्ट है, तो थ्री से थ्री कैंसिल, ठीक है, फिर थ्री से थ्री थ्री जा नाइन, इस थ्री से एक भी कैंसिल वन बचा, ऊपर तो बचा वन नीचे बचा वन, आंसर आ जाएगा वन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन क्या है, सेवन सेवन का करते हैं अपन, कौन सा करें, थर्ड वाला जो थोड़ा बड़ा है, थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है, वन सिक्सटी टू माइनस ए की पावर माइनस वन और बी की पावर माइनस थ्री, ठीक है। ए और बी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू माइनस टू और बी की वैल्यू है थ्री, ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में माइनस टू और बी दे रखा है थ्री, करें अपन क्वेश्चन 162 ए के प्लेस पर माइनस टू रखना है, तो माइनस ये और एक और माइनस
माइनस हो प्लस का टू हो जाएगा और माइनस में और नीचे प्लस का थ्री माइनस थ्री 162 इंटू ये हो जाएगा 1/2 फिर मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 3 तो 162 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 3 वैसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ठीक है। चलिए 2 से जब इसको कैंसिल करता हूँ मैं तो 2 1 2 2 8 16 2 1 2 ठीक है। फिर 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो 3 2 6 और 3 7 21 फिर 3 से इसको कैंसिल करते हैं 3 9 27 ठीक है। क्या बचा अपना ऊपर बचा 9 नीचे बचा अपना 3 अपन में 3 बचा 3 से फिर इसको कैंसिल करते हैं 3 3 9 आंसर क्या आ गया अपना 3। चलिए